चलिए बाबू, देखिए बाबू, हमको पढ़ना क्या है, हमको क्या पढ़ना बाबू? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एसएचएम, ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो बेसिक में था बाबू, इसका पहले जो ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का था, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो हम बता चुके थे, ठीक है ना? जैसे एस बराबर, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके बाबू। इसका एक और टर्म हमको यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। एस बराबर क्या होता है बाबू? फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है? तो ये सब हम डिस्कस कर दिए थे ना, डिस्कस कर दिए थे। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? यू स्क्वायर प्लस कितना होता है? टू ए एस होता है ना, ठीक है? तो ये सब बाबू क्या है, लिनियर मोशन का क्या है? जो बाबू लिनियर मोशन का क्या बाबू, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, एक्सीलरेशन दिया रहेगा, ठीक है ना, और ये टाइम होगा, ठीक है ना? तो अगर इसमें दो मान लो इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, टाइम दिया हो, एक्सीलरेशन दिया हो, तो ये सब क्वांटिटी अगर मतलब पता रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है ना। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सब ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में लिखा है, मैंने प्रीवियस मैंने देख मैंने एक मंथ पहले लगा है ना, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ा है तो उस समय डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना? आगे हमको पढ़ना है बाबू एसएचएम पढ़ना है ना, एसएचएम पढ़ना, ठीक है? तो एसएचएम पढ़ने से पहले बाबू थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म आते हैं ना, उसको पहले हम लोग सीख लेंगे। आप लोग को इच्छा है तो लिखिए, नहीं इच्छा है तो शांति से सुनिए, है ना? शांति से सुनिएगा, ठीक है ना? इच्छा है तो लिखिएगा, है ना, लेकिन सुनिए, ठीक है? वो पहला एक टर्म आता है बाबू एसएचएम पढ़ने से पहले बाबू, एक टर्म आता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है? एक टर्म आएगा बाबू पीरियोडिक मोशन का, ठीक है बाबू? क्या आएगा? पीरियोडिक मोशन का एक टर्म है ना, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है? जो जो टर्म होगा हम आपको मैंने आप लोग का समझिए, एक तरह का ओवरव्यू, अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो लिखने की इच्छा रहेगा लिखेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो एग्जाम आएगा ना कल, तो लिखने से क्या फायदा होगा, सीखिए, है ना? हो सकता है दो चार क्वेश्चन, एक आधो क्वेश्चन आ जाए तो काम बन जाएगा, है ना? देखो बाबू पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो ऐसा मोशन बाबू जो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद क्या करे, रिपीट करे। साउंड ठीक जा रहा है ना यमुना बाबू? साउंड ठीक जा रहा है ना यमुना बाबू? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, बिना ब्लूटूथ का ना डिस्चार्ज हो गया ठीक है? तो जो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अगर रिपीट करे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। मतलब क्या सर? जैसे मान लो आपके छोटा भाई है, ठीक है? तो छोटा भाई बाबू, तो मान लो सुबह डेली 8 AM में क्या जाता है, स्कूल जाता है ना? आज सुबह 8 बजे गया पढ़ने के लिए, कल बाबू नेक्स्ट डे भी कितना बजे जाएगा? 8 AM में ही जाएगा। उसके नेक्स्ट डे बाबू कब जाएगा? 8 AM में ही जाएगा, है ना? ठीक है, मतलब आपका जो छोटा भाई बाबू डेली 8 AM मॉर्निंग में हमेशा स्कूल जा रहा है, ठीक है? तो बाबू यहाँ मॉर्निंग के 8 AM से नेक्स्ट मॉर्निंग के 8 AM के बीच में कितना टाइम हुआ? टोटल 24 आवर्स हो गया, है ना? ठीक है सर। अगले मॉर्निंग के बीच में कितना आवर होंगे बाबू? 24 आवर्स होंगे। मतलब आज सुबह 8 बजे गया, कल सुबह भी 8 बजे जाएगा, परसों सुबह भी 8 बजे जाएगा, परसों नेक्स्ट सुबह भी 8 बजे, है ना? तो मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू कि आपको जो छोटा भाई वो मैंने 24 घंटे बाद अपने मोशन को क्या कर रहा है, ठीक है ना? अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना? तो वैसा मोशन बाबू जो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को क्या करे, रिपीट करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पीरियोडिक मोशन कहेंगे ना। अब इसमें पीरियोडिक मोशन में एक आगे टर्म आएगा बाबू टाइम पीरियड का, एक आगे टर्म आएगा टाइम पीरियड का, ठीक है? छोटा छोटा टर्म है, ये सब जानते हो तो सीख लीजिए, है ना? टाइम पीरियड क्या होता है बाबू? जितना देर के बाद वह अपने मोशन को प्रीवियस स्टेट को पुनः रिपीट करे, वही उसका क्या होगा बाबू? टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना? जितना देर के बाद आपके छोटा भाई आपके छोटा भाई आज सुबह स्कूल गया, फिर कल सुबह जाएगा, तो आपको कितने देर के बाद रिपीट करेगा? 24 आवर्स के बाद बाबू, है ना? म्यूट कर लीजिए बाबू, है ना? म्यूट कर लीजिए। 24 आवर्स के बाद रिपीट करें मोशन, आपके भाई का जो स्कूल जाने का बाबू टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए बाबू मेरे, कितना हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24 आवर्स हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसी तरह से ये तो क्या हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया ना। म्यूट कर लो बाबू, रिक्वेस्ट करते हैं ना, म्यूट कर लो, क्यों परेशान कर रहे हो? ये बाबू क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है ना, लेकिन हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना, ठीक है ना? आज जनरली जो एसएचएम है बाबू, जो एसएचएम जो टॉपिक आपका है, एसएचएम टॉपिक है, ये मेरा फिजिक्स का टर्म है, समझा? फिजिक्स का चैप्टर है, कर लो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं इच्छा है तो चले जाइए ना, हम जबरदस्ती थोड़ी बुलाए हैं, नहीं पढ़ने की इच्छा है तो चले जाइए, पढ़ने की इच्छा है करके पढ़िए, नहीं सुनिएगा रिक्वेस्ट कर बाबू। जो एसएचएम चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है ना, फिजिक्स का मिलने चैप्टर, ठीक है? तो ये सब आपको एसएचएम में यूज पड़ेगा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब यूज पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो बाबू देखो, अब इसमें ये तो समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन ये क्या होता है ना, अब इससे क्वेश्चन उसे नहीं आएगा, आपको हमसे पहले कंसेप्ट के लिए बता, है ना? नेक्स्ट एक जो टॉपिक आता बाबू, नेक्स्ट एक जो टॉपिक आता ऑसिलेटरी मोशन का, आ रहे एसएचएम पे हम आ रहे एसएचएम पे, ठीक है ना? नेक्स्ट जो आता बाबू ऑसिलेटरी मोशन आता, ठीक है ना? ऑसिलेटरी मोशन का एक कंसेप्ट आता, ठीक है, आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या था बाबू? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना? क्या होता बाबू? ऑसिलेटरी मोशन, है ना? ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता बाबू? देखो
पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, है ना। ठीक सर, जितना टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बाबू, ऑसिलेटरी मोशन क्या, पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस है, पीरियोडिक मोशन का ही एक स्पेशल केस है। मतलब क्या सर, जो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा बाबू, जो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा, जो टू एकदम हम आपको हम क्या बता रहे हैं, ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कैसे कैसे हमको सीखना है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। जो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा बाबू, ठीक है ना, समझ जाए, चूंकि कल एग्जाम है ना तो क्या लिखेगा जो टू एंड फ्रो मोशन रहेगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, चलिए ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। अभी किया है हमने, चलाएंगे बाबू, म्यूट कर लीजिए, कौन है, नहीं तो बाहर कर देंगे बाबू। किसका है म्यूट, किसका है, यहाँ रियल मी, चलिए चला गया। देखो बाबू पैसे नहीं ना दे रहा हो, एकदम रिमूव कर दी बाबू, ठीक है ना, पैसे तो दे नहीं रहेगा ना, तो फिर मार कर कचरा क्यों करोगे। अब बाबू टू एंड जो प्रो, टू एंड जो प्रो मोशन होता है बाबू, वो क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे एग्जांपल सर, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक इस तरह से बाबू पेंडुलम है, ये मान लो आपके पास दीवार है, दीवार में फिक्स कर दे, समझ रहे, आइए आपके पास बाबू क्या थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड में यहाँ पे एक बॉल क्या किया, बॉब लटका दी, है ना। अब बाबू क्या करो, इस बॉब को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इस यहाँ के लिए ध्यान दे, बॉब को बाबू यहाँ ले, बॉब को यहाँ ले जाकर छोड़ दो, है ना, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर एक दीवार बाबू, देखो आज स्टूडेंट बच्चे उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्यों परेशान कर रहे हो ना बाबू, ये थ्रेड है, ठीक है ना, इस बॉब को यहाँ से यहाँ डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पुनः यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब क्या होगा बाबू, इस तरह से क्या करेगा, मोशन करते नहीं म्यूट कीजिएगा बाबू, नहीं म्यूट कीजिएगा, क्या भी कौन है, चलिए ठीक है, अमित कुमार। हाँ बाबू ठीक बाबू, तो अगर एक मान लीजिए क्या, मेरा एक ये थ्रेड हो गया, इसमें एक बॉल लटका दीजिए, है ना, ये पेंडुलम वाला एग्जांपल है, या नहीं समझ में आता तो घड़ी का जो देखते हो ना, दीवार घड़ी बाबू, उसमें नीचे जो बॉब लटका हुआ था, ठीक है ना, वही मेरा क्या है, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल। तो इसको बॉल को पकड़ो, यहाँ पे ले जाकर छोड़ दो, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, पुनः यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेगा ऑसिलेट करते रहेगा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेट कहेंगे। तो ये मेरा एग्जांपल क्या बाबू, ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है ना, मतलब क्या, यहाँ पे बाबू इस पॉइंट के लॉन्ग, ये मेरा क्या हुआ, एक मेन पोजिशन जहाँ पे बॉल ऐसे पकड़ोगे ना, मेरे पास था, ठीक है ना, शायद भेट मेरा था बाबू, बच्चन सबको पढ़ाए थे, कहीं होगा रखा हुआ ध्यान में, ठीक है। तो जिस पॉइंट के अक्रॉस, जैसे मान लो यहाँ पे बॉल हो गया, यहाँ लटका दे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो जहाँ पे बाबू ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा, मतलब क्या, जहाँ पे ये स्थिर रहेगा, खड़ा रहेगा चुपचाप, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मीन पोजिशन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजिशन कहते हैं। अब मीन पोजिशन से इसको पकड़ो, यहाँ लेके जाओ, फिर छोड़ दो यहाँ से, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट होते रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा। तो इसी को क्या कहेंगे बाबू, टू एंड फ्रो मोशन, इस पॉइंट के अलाउ आगे पीछे हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं ना, ठीक है, ठीक है सर। और एक आपको एग्जांपल है, हाँ बाबू और एग्जांपल है, जैसे ये हो गया, या आप सेकंड एग्जांपल क्या ले सकते हो, ऑसिलेटरी मोशन का, समझिए शांति से समझिए, अभी तुरंत आ रहा है, एसएचएम तुरंत आ रहा है, ठीक है ना, हम डायरेक्ट एसएचएम पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सोचते हैं बेसिक से बता, जैसे आप क्या करो बाबू, ठीक है, आप क्या करो, एक स्प्रिंग ले लो, ये आपका क्या स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है सर, ये क्या बाबू स्प्रिंग है, इसमें कोई एक ब्लॉक, एक बॉडी क्या करो, कनेक्ट कर दो, है ना, एक स्प्रिंग है बाबू, इसमें कोई क्या कर दो, एक बॉडी कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, ये आपका सरफेस हो गया, ठीक है ना। अब बाबू क्या करो, ये स्प्रिंग हो गया ना, मान लो ना यहाँ पे दीवार स्प्रिंग के एक साइड फिक्स करो, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी कनेक्ट कर दो, और उसके बाद इसको क्या करो बाबू, पुल करो या अपनी ओर खींचो, तो खींचोगे तो ये बॉडी क्या जाएगा, आगे जाएगा, ये क्या जाएगा बाबू, ये ब्लॉक आगे जाएगा, है ना। तो पहले स्प्रिंग पे जहां पे कनेक्ट किया, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हमने स्प्रिंग को कनेक्ट किया, इसके बाद इसको कुछ नहीं करो, जो नॉर्मल स्टेट में, तो ये ब्लॉक क्या रहेगा, एट रेस्ट में रहेगा, कोई मोशन होगा नहीं ना होगा। बॉडी को बाबू हमने एक स्प्रिंग लाया, एक साइड फिक्स किया, दूसरे साइड यहाँ पे ब्लॉक पे कनेक्ट किया, इसको कुछ नहीं हम कर रहे, ना इसको पुल कर रहे हैं, ना पुश कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट में बाबू, तो इसी स्टेट को हम लोग कहते हैं मीन पोजिशन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, मीन पोजिशन, समझिए, अब आपका टर्म आ गया मीन पोजिशन।
ठीक है, या इसी को बाबू कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जहां पे वेलोसिटी, जहां पे बाबू क्या है एट रेस्ट में है ना, नॉर्मल स्टेट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ठीक है सर। देखो ना ऑसिलेटरी मोशन का क्या होता है ना, इसी से मेरा SHMI बनेगा, ठीक है। अच्छा बताए, अब बाबू इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ लंबा सा घींच दिया, इस स्प्रिंग को घींचा तो यहाँ लेके चल गया है ना, तो यहाँ लेके चल गया तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, मान लो ये मैक्सिमम दूरी है, ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट बाबू अगर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, यहाँ पे ब्लॉक को पकड़े, यहाँ पे घींच के यहाँ तक ले गए, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो एट रेस्ट में क्या, जीरो। अब जैसे ही ब्लॉक को यहाँ से पकड़ के छोड़ दोगे, घींच के छोड़ दो, तो क्या होगा, ब्लॉक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, उसके बाद पुनः क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होकर पुनः यहाँ आएगा। बाबू जैसे पकड़ के छोड़ दोगे, थोड़ा फील करो, फील करो, ठीक है ना, हर एक कुछ चीज फील करने का होता, ठीक है, ठीक है सर, फील तो कर रहे हैं। तो बाबू यहाँ से पकड़ के छोड़ दिए तो यहाँ आएगा, फिर इसके बाद मान लो ये कंप्रेस होकर पुनः यहाँ आ जाएगा, समझो, है ना, ठीक है सर। तो अब क्या करें बाबू, इस मीन पोजीशन के अलावा ब्लॉक क्या यहाँ आएगा, पुनः यहाँ से कंप्रेस होगा तो फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, मतलब ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन क्या करेगा, होते रहेगा ऐसे ऐसे करके। अगर मान लो इसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मान लो कहीं फ्रिक्शन नहीं है बाबू, कुछ फ्रिक्शन और इससे नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो उसके से हमेशा ये ऑसिलेट करते रहेगा दिन भर करते रहेगा, एनर्जी नहीं लॉस हो रहा है तो कैसे ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है सर, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमको कुछ बेसिक टर्म है उसको सीखने की कोशिश की जाए, यही से हम SHMI डिफाइन करेंगे। तो बाबू जैसे यहाँ से छोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया है ना, अभी इसके फर्दर ये इधर नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे कॉक को कैसे आप उछालते हो, बैडमिंटन खेलते हो ना, तो ऊपर में जाकर देखते हो उसका डायरेक्शन उलट जाता है, पहले कॉक ऐसे जाएगा, मान लो ये ऐसे है बाबू, ठीक है ना, ऐसे है तो पहले कॉक ऐसे जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा बाबू तो पुनः ये ऐसे हो जाता है ना, हो जाता ना, ठीक है। तो इसको जैसे पकड़ के छोड़े बाबू तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक्सट्रीम पोजिशन पे तो कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो, अपन जैसी वेलोसिटी जीरो होगा तो पुनः ये क्या करेगा, इधर मोशन करेगा, तो जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी बाबू, इसको हम लोग कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, क्या कहते हैं बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, जहां पे इसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो गई, नहीं लिखा था ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, एक इस साइड एक इस साइड, कितना एक्सट्रीम पोजीशन होगा, दो एक्सट्रीम पोजीशन, बात समझिए, समझा रहे हैं ना, ठीक है सर। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। अब हमको ये बताओ फोर्स किधर लगा, स्प्रिंग अपना एक फोर्स लगाएगा ना, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे स्प्रिंग फोर्स पढ़े ना, तो पकड़ के इधर अगर घींच रहा तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, ब्लॉक को इधर लाने, हम आपको उधर पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो आप क्या चाहेगा कि इधर आ जाए, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि नहीं, आप स्प्रिंग को पकड़ के इधर घींच रहे हो तो आपके आपके मैंने आपके मोशन का पॉइंट इधर है, ठीक है सर। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है बाबू, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर ब्लॉक यहाँ से ऐसे लेके जा रहे हो तो फोर्स मेरा किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आइए, एकदम शांति से सुनिए यहाँ पे आइए, जब ब्लॉक बाबू इधर से मोशन करते यहाँ आ रहा होगा कंप्रेस हो रहा होगा, जैसे मान लो यहाँ ब्लॉक है तो ये ब्लॉक की मोशन करते करते स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा तो फिर स्प्रिंग ब्लॉक को क्या चाहेगा, ढकेलना, मतलब यहाँ ब्लॉक जब होगा मोशन, ब्लॉक ऐसे मोशन करते करते देखो बात समझो, यहाँ से ब्लॉक इनलोंगेट हो रहा है, यहाँ से ब्लॉक क्या हो रहा है, इनलोंगेट हो रहा, ठीक है ना, एक्सपेंशन में उसको कहेंगे, तो ब्लॉक क्या चाहती है, स्प्रिंग क्या चाहेगा सिकुड़ना चाहेगा, ठीक है, तो सिकुड़ेगा तो इधर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तभी ना सिकुड़ेगा, जैसे मेन पोजिशन से इधर आएगा तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा, तो अब स्प्रिंग क्या चाहेगा, एक्सपैंड होना, तो इस डायरेक्शन बाबू जब इधर आएगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स मेरा किधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब क्या सर, मतलब बाबू कोई भी सिचुएशन में फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है बाबू, मीन पोजीशन की ओर लग रहा है ना, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो जो मीन पोजीशन है बाबू यही से हम लोग मेजर करते हैं, जैसे एक्सिस, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, तो मीन पोजीशन पे बाबू मान लो यहाँ से हम कितना दूरी तय किया, कुछ दूरी होगा 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग अगर एक्स मान लेते हैं बाबू, तो यहीं से हम लोग मीन पोजीशन से ही काउंट करेंगे, तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गया है ना। अब जितना मान लो यहाँ आ गया तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 मीटर हो गया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा ना, मान लो 2 मीटर 3 रहेगा तो 3 मीटर हो जाएगा है ना, तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होगा बाबू, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होगा। और सोचो देखो ये बेसिक टर्म है, इसे टर्म अभी हम लिखा देंगे ना,
दूसरा एक एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर होगा, मिड पोजीशन पे होगा, है ना, ठीक है सर, ठीक है। और मिड पोजीशन पे फोर्स कितना होगा, मिड पोजीशन पे फोर्स कितना होगा, तो मिड पोजीशन पे जो फोर्स आएगा बाबू, फोर्स आएगा वो मेरा मैक्सिमम फोर्स आएगा, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी बाबू, मिनिमम हो जाएगा, है ना, बता रहे हैं कैसे क्या होगा, है ना। तो ये बाबू क्या था, स्प्रिंग है, स्प्रिंग था। तो ये जो मोशन है बाबू, ये मेरा कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन है। तो मैं फिजिशियन ने क्या कहा, जो अब ये जो मोशन है बाबू, इसका कोई ना कोई एक इक्वेशन होगा ना, कोई ना कोई इक्वेशन होगा ना। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है बाबू मेरे, जो ऑसिलेटरी मोशन का जो फोर्स बराबर इक्वेशन होता है, माइनस के इंटू एक्स के पावर एन होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन का एसएचएम का इक्वेशन नहीं है, है ना। ये बाबू मेरा क्या, ऑसिलेटरी मोशन का माइनस के इंटू एक्स के पावर एन, कहां से आया सर, हमको डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ठीक है ना बाबू। जहां जो एन की वैल्यू होगी, एन की जो वैल्यू होगी बाबू, एन की जो वैल्यू होगी, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है जी, खाली हम बोल रहे हैं। कन्हैया, कन्हैया बाबू, कन्हैया, यस सर आ रहा है। चलिए ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है आपको। हाँ सर आ रहा है। अमित बाबू आपको, यस सर आ रहा है। चलिए अच्छी बात है ना। अब बाबू ये इक्वेशन किसका, ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है, रामायण की तरह कथा, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद पता, उसके बाद पूछिए कि सीता किसकी वाइफ है ना, पूछेंगे ना आप लोग से बाबू ये किसका मोशन है, ये इक्वेशन किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। जहां जो एन की वैल्यू होता है बाबू, एन की जो वैल्यू होता है, एन की जो वैल्यू होता है एक थ्री फाइव ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर के लिए यहाँ ई एन डिफाइन है, ठीक है ना, इवन नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। क्यों सर, देखिए क्यों बाबू, इतना डीप में होता है। अब देखिए बताते हैं क्यों, ये मेरा क्या मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे हम लोग एक्स बराबर वैल्यू जीरो लेंगे, तो मीन पोजीशन के जो राइट साइड होगा ना, जो राइट साइड होगा ना बाबू, इधर हम लोग पॉजिटिव मेजर करेंगे, इधर वैल्यू जो भी लेंगे पॉजिटिव मेजर करेंगे, है ना, ठीक है सर। मीन पोजीशन के जो लेफ्ट साइड होगा बाबू, इधर वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव मेजर करेंगे। मीन पोजिशन के राइट साइड पॉजिटिव, मीन पोजिशन के लेफ्ट साइड निगेटिव, है ना, ठीक है, ये तो आपको टाइम पीरियड हो गया है ना, एक सिंपल सा डायग्राम, ये हम स्प्रिंग नहीं डालते हैं ना, ताकि क्लियर इमेज बने। सुनिए दम रामायण की तरफ कथा सुनिए, फिर क्वेश्चन करवाना है, आधा घंटा तो हो गया है, तो आप लोग तेजी से थोड़ा सपोर्ट कीजिए बाबू, एक ही चीज को चार चार बार बताना पड़ता है। चलिए अब इसको डायग्राम देखे देखे बाबू, इसी डायग्राम को थोड़ा सा बता रहा है ना, गीला हो जाता है ना बहुत कष्ट। तो जो लिखने वाला पॉइंट रहेगा बाबू लिखिएगा आप लोग, देखो बाबू क्या मेरा एक बड़ी मान लेते, ठीक है ना, कोई ब्लॉक मान लेते, कोई बड़ी मान लेते, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक बड़ी हो गया, ठीक है, इसी को बना रहे हैं। तो जहां पे बाबू इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ये मेरा क्या होगा, मीन पोजीशन होगा, या बाबू क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसको आप लोग अब शांति से सुनिए, इस ब्लॉक को हमने स्प्रिंग को खींचा यहां लेके आ गए, ठीक है, क्या क्या फेनोमेनन होगा, ठीक है, जैसे इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया बाबू, है ना, तो जो मीन पोजीशन है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग जीरो मेजर करेंगे, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ध्यान से सुनिए, है ना, मीन पोजीशन पे, अरे ओरिजिन पे लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे जीरो है, बाकी इधर पॉजिटिव लेते हैं, और मीन पोजीशन के राइट हैंड साइड बाबू जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, है ना, मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड बाबू, मान लो ब्लॉक यहाँ पकड़ के छोड़ दिया, पुनः इधर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इधर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, है ना, यहाँ पे ब्लॉक आके क्या हो गया, रुक गया, स्प्रिंग दब गया, फिर ना जब स्प्रिंग दब गया बाबू, स्प्रिंग क्या हो गया, दब गया, तो स्प्रिंग अब इसको क्या करेगा, दब गया तो फिर स्प्रिंग इसको ठेलेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से जैसे दब गया बाबू, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, जहाँ पे फाइनली आके रुक गया वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, और जहां पे रुक गया बाबू, यही इसका क्या कहलाएगा, ईपी कहलाएगा, यहां से सुनिए, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। तो इस तरह से बाबू कितना एक्सट्रीम पोजीशन हमारे बनेंगे, दो एक्सट्रीम पोजीशन बनेंगे, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बाबू वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो होगा और यहाँ भी वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, ठीक है सर।
अब मीन पोजीशन से जहां तक गया, जहां तक जाकर मैंने इसे जा रहा जहां तक रुक गया, पुनः तो रिटर्न होगा ना, जो मीन पोजीशन से जहां तक एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी है बाबू, इसको नाम रखा गया, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये टर्म बेसिक टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, इसको लिख लीजिएगा है ना। एम्पलीट्यूड को किससे इंडिकेट करें बाबू, कैपिटल एस इंडिकेट करें, ये आपका एस एच एम का बेसिक चीज है ना। तो एक एम्पलीट्यूड इधर होगा, एक एम्पलीट्यूड इधर होगा, दोनों साइड होगा ना बाबू, मेरे मीन पोजीशन से तो इधर भी आ रहा ना, तो ये मेरा कितना होगा बाबू, ए होगा, एम्पलीट्यूड होगा है ना। चलिए इतना बात तो हमको समझ में आ गया सर, ठीक है। अब बाबू देखो, अब सॉरी अब सीखो, बहुत इसमें पॉइंट है। यहाँ पे जाके रुक गया तो ब्लॉक बाबू यहाँ से खींचेगा, तो ब्लॉक का स्प्रिंग क्या करेगा, अपने साइड में खींचेगा ना, खींचेगा ना, खींचेगा ना, तो जैसे खींचेगा वो तो फोर्स किधर लगेगा, इधर मीन पोजीशन पे हो तो यहाँ पे बाबू इस डायरेक्शन में किधर लगेगा फोर्स लगेंगे, इस डायरेक्शन बाबू क्या लगेंगे फोर्स लगेंगे। अब आपको पता है बाबू सेकंड एक नाइन क्लास में पढ़े, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो डायरेक्शन फोर्स का वो डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, तो इसी के डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, इसी के डायरेक्शन में बाबू क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा है ना। ठीक है, ठीक है सर। मान लो ये ब्लॉक यहाँ से आते आते मीन यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या दबा हुआ, एकदम शांति से सुनिए, यहाँ पे स्प्रिंग क्या होगा दबा हुआ, तो स्प्रिंग को क्या चाहेगा, स्प्रिंग इसको ब्लॉक को क्या चाहेगा, ठेलना चाहेगा है ना, ढकलना चाहेगा, जैसे ढकलना चाहेगा तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा है ना। ठीक है सर, तो इतना क्या बाबू बेसिक पॉइंट है ना। चलिए ठीक है, अब मान लेते बाबू क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, तो स्प्रिंग अब क्या करेगा, इसको खींचेगा खींचेगा खींचते खींचते यहाँ पे जो मेन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा बाबू, यहाँ पे जो जैसे मान लो ये धीरे धीरे घींच के छोड़ देते, क्या करेगा आएगा और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते क्या होगा, जीरो होगा, क्यों ना यहाँ से ठेलेगा, तो यहाँ पे ठेलेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ से जैसे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी जीरो होगा है ना। मतलब क्या सर, जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होंगे बाबू, जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम है ना, जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होंगे, ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, जो मीन पोजीशन पे होंगे बाबू वेलोसिटी मैक्सिमम होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा, और इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा ना। इतना बात समझ में आ गया है ना। ठीक है सर, अब बाबू जो ये मेरा कैसा है ऑसिलेटरी मोशन का, तो ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है अभी बताए ना, ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन होता है बाबू, जो जनरल इक्वेशन होता है ऑसिलेटरी मोशन का, एफ बराबर माइनस के इंटू एक्स रेज टू द पावर एन होता है ना। ठीक है, जहां एन की जो वैल्यू होती है बाबू, वेयर एन की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिए, n बराबर होता है ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ऑड नंबर होगा ना। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन के इक्वेशन है ना, फोर्स बराबर इतना। ठीक है, देखो अगर इवन नंबर रखोगे बाबू, इवन नंबर रखोगे तो मेरा फोर्स के डायरेक्शन को सेटिस्फाई करवे नहीं करेगा, फोर्स कोई भी पोजीशन पे लो, ऑलवेज फोर्स मेरा किधर है, मीन पोजीशन की ओर, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर है बाबू, मीन पोजीशन की ओर, यहाँ पे लेके गए मीन पोजीशन की ओर, यहाँ पे लाए मीन पोजीशन की ओर, ब्लॉक यहाँ भी रहेगा बाबू इस सिचुएशन में रहे, तो फोर्स मेरा मेन पोजीशन की ओर, ब्लॉक इन लोकेट करके यहाँ भी रहेगा बाबू, तो फोर्स हमेशा किधर होगा, मेन पोजीशन की ओर होगा है ना। तो अगर बाबू एन की वैल्यू अगर ऑड रखते हो, ऑड रखते हो बाबू, ठीक है ना, एन की वैल्यू अगर ऑड रखते हो बाबू, तो इस जो इक्वेशन जो फोर्स है इस डायरेक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इवेंट के लिए फोर्स के डायरेक्शन को नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं बाबू, ऑड नंबर लेते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशन का क्या बाबू फॉर्मूला है, अब आते हैं, अब आपको पढ़ा रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए अब आता है बाबू एस एच एम पे, ये मेरा ऑसिलेटरी मोशन का इतना था, अब एस एच एम कुछ नहीं है। ठीक है ना, एस एच एम मेरा फिनिश हो गया, फिनिश नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ ना, आपको डराने के लिए बोल रहे हैं। अब बाबू इसी में देखिए, एन की वैल्यू अगर 1 रखें, ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा, माइनस के इन टू एक्स बनेगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो मेरा कौन सा बनेगा, kx3 बनेगा नेगेटिव में, n की वैल्यू 5 रखोगे तो माइनस kx5 बन जाएगा ना, n के डिफरेंट डिफरेंट के वैल्यू के लिए क्या होगा, फोर्स का मेरा डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन बनेगा है ना। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना बाबू, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, उसी को नाम रखा गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आता, इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है सर, यही है, इससे सिंपल तो बाबू जितना पावर उतना ज्यादा टफ। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ना बाबू, वही मेरा क्या है बाबू, एस एच एम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बाबू, इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, एकदम शांति से सुनिए, इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है बाबू, वही मेरा इक्वेशन होगा, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वही मेरा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही ना बाबू,
तो यही मेरा क्या होता है बाबू, फोर्स बराबर माइनस के इंटू एक्स, ये एसएचएम का इक्वेशन होता है, एफ बराबर माइनस के एफ, है ना, यही बाबू एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू बाबू, एक्स की वैल्यू जहां पे आप निकालना चाहते हो ब्लॉक के, वहां पे एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, फोर्स का मान निकालिए। मान लो हम यहाँ बीच में निकालना चाहते हैं, यहाँ पे ब्लॉक को घींचे, यहाँ पे निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ ये जितना दूरी हो वो वहाँ एक्स की वैल्यू पढ़ा रहे बाबू, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए ना, कहा परेशान के लिए, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए ना बाबू। बाबू जहाँ हमको x की वैल्यू निकालना है, जहाँ हमको x की वैल्यू निकालना है बाबू, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करो, x की मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, फोर्स की वैल्यू निकालो, है ना। तो ये फोर्स का बाबू SHM का इक्वेशन है, ठीक है ना, यही मेरा बाबू क्या है, SHM का इक्वेशन है ना, SHM का इक्वेशन यही है। शुरू से नहीं ना रहिएगा बाबू, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, जो शुरू से उनको समझ में आ रहा है, अब शुरू से नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। यही बाबू क्या, आपको हम ये लिखने नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, आपको अच्छा डीप में हम बता दिए, ठीक है ना। इसी को बाबू क्या कहते हैं, EISHM बाबू, इसी का नाम क्या बाबू, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपको हम हेडिंग करके नहीं लिखा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शांति से सुनिएगा तब ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं बाबू, या इसी को कभी कभी क्या कहते थे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंपल है ना, लिनियर है ना बाबू, लिनियर है ना, लिनियर है ना, इसी को क्या कहते थे वो, स्ट्रेट लाइन मोशन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन हार्मोनिक मोशन, है ना। तो यही बाबू क्या, फोर्स का इक्वेशन है ना। अब यहाँ पे बाबू देखो, x की वैल्यू जीरो पुट करो, मीन पोजीशन पे अगर फोर्स निकालना चाहोगे तो x की मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या, जीरो, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो x की वैल्यू क्या लेंगे बाबू, इस डायरेक्शन में आपको पहले ही बता दिया कि x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में x की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, तो मीन पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू क्या, जीरो, तो मीन पोजीशन पे जब फोर्स की वैल्यू जीरो होगा तो फोर्स पर मास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग लिखिए बाबू, है ना, इतना लिखिए, इसके बाद आगे आपको बता रहा हूं, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू, थोड़ा सा आपको बाबू, चार मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा, पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा, चार मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा बाबू, पेड वर्जन ही ना, इसीलिए 45 मिनट करा था, 45 मिनट का ही रहता है बाबू, जूम वाले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अमरजीत बाबू, अमरजीत, अब आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो ये बाबू क्या हो गया, यहाँ से आपका SHM शुरू होता है, ठीक है ना, SHM यहीं से शुरू होता है, ये तो आपको कंसेप्ट के लिए बता दिए। चलिए अब आगे देखते हैं ना, आप लोग SHM में एक्सीलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक टर्म देखोगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव में शायद काम देगा, ठीक है बाबू। फोर्स बराबर बी नो डेट, हम लोग जानते हैं खर खुर कर रहे हो बाबू, म्यूट कर लीजिए ना, बी नो डेट बाबू, या सिंस फोर्स बराबर कितना होता है बाबू, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ये हम लोग भली भांति मैंने जानते हैं, है ना, फोर्स की वैल्यू आप पुट कीजिए बाबू, तो मास, म्यूट करो ना, काहे इतनी आवाज कर रहा है यार, म्यूट कर लो अब, इतना खरखुर क्यों कर रहे हैं, ये तो फिर एक बार रिमूव किया, आपको भी रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स बराबर क्या होता है बाबू, मास इन टू एक्सीलरेशन यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी बाबू, माइनस के अपॉन एम इन टू एक्स, ये आ गया। अब इसी को फिजिक्स ये सब साइंटिस्ट ने क्या कहा ना बाबू, ये जो टर्म है बाबू, के बाई एम जो टर्म है बाबू, बोलो, इसी को के बाई एम को जो टर्म है ना बाबू, इसको एक नया नाम दे दिया, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया बाबू, एक नया नाम रख दिया, इसको कह दिया के बाई एम को क्या कर दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कर दिया, है ना, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के बाई एम को क्या रख दिया बाबू, ओमेगा स्क्वायर, इसका मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, है ना। कैसे कभी कभी आपको मैंने शादी में जाना बाबू, तो नहीं, अरे सबसे बढ़िया समझो ना, मान लो कोर्ट में कोई काम करवा रहा, आपका भाई प्रेजेंट नहीं था, 10 रुपया में कैसे भाई खरीदते, हम तो एक बार खरीदे थे, 10 रुपया दे बाबू, कोर्ट में क्या होता है, 10 रुपया दीजिए, भाई बनाइए, सिस्टर बनाइए, गार्जियन बनाइए, जो बनाना है 10 रुपये में सब बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोर्ट में ऐसी होता है बाबू, कहाँ से गार्जियन लाओगे, 20 रुपये में सब बन जाते हैं। तो वही बाबू, यही वही बात यहाँ पे, ठीक है ना, के बाई एम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया, ओमेगा स्क्वायर से, तो फर्दर एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आया बाबू मेरा कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया बाबू
SH मोशन में एक्सीलरेशन का इक्वेशन, इसको भी ध्यान रखना। एक वो इसको ध्यान रखो और एक इसको ध्यान रखो और दूसरा बाबू एक ये ध्यान रखो, ये सब डायरेक्ट यूज होगा इसीलिए बताना है। और एक ये भी ध्यान रखो, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा के बाई एम का रूट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखो। ये तीन इक्वेशन ध्यान रखो, लिखते चलो, यूज होगा बाबू। जल्दी से लिखा इसको अभी याद कीजिए, अभी इसको याद करते चले ताकि आगे हम पढ़ाएं बाबू तो आपको आसानी हो जाए। लिख लिया अमरजीत बाबू? अमरजीत यस सर लिख लिया। एक मिनट की वीडियो आइए, खाली लिखना नहीं, आपको कल एग्जाम दे भी जाना है तो आधा घंटे कंप्लीट करके चलिए, ठीक है ना? ओके सर, है ना? हाँ सर, फोर्स बराबर माइनस के एक्स, एक्सीलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम, तीन फॉर्मूला हो गया, है ना? याद रखना। चलिए अब आगे हम लोग डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा एक मिनट में बंद होगा, फिर से कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा आगे कंसेप्ट करते हैं ना, चूंकि 45 मिनट करा था जूम, है ना? फिर बोला 45 मिनट देता बाबू, हम क्या करें, थोड़ा सा आगे कंसेप्ट करके लिखा देते हैं ना, या आप लोग बताइएगा कहाँ क्या होगा, आप ही लोग से पूछते हैं। इधर हो जाएगा, इधर तो मेरा हो जाएगा, डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट करके लिखते हैं। बहुत गीला रह गया कपड़ा, कंसेप्ट करके बाबू। पहला, ये सब पॉइंट डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा। कितना बच रहा है? एक मिनट से कम बच रहा बाबू। चलिए ये फॉर्मूला, तो बाबू एक्सीलरेशन मेरा मैक्सिमम कब होगा बाबू बताइए? मेरा मैक्सिमम दूरी, ये एम्पलीट्यूड है बाबू, एम्पलीट्यूड जो है मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ही नहीं सकता, तो ये जो बाबू मैक्सिमम है ना, ठीक है? तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब होगा, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम पुट करोगे, मैक्सिमम पुट करोगे ना, तो उस समय एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम।